hello everyone this is dipika welcome to ad commerce classes now today in this video we are going to discuss around four questions of mathematical reasoning which were asked in june 2014 okay uh, yesterday i had posted this question these questions and uh, now in the morning i am recording this video for all of you okay so please watch this video for Detailed explanation of the question, and one more important thing uh, I think I had posted uh, this question complete the series 4, 5, 8, 13, 14, 17, and 22. According to this, you have answered, but uh, um, now I uh, at yesterday's night I had uh, edited that question, okay? Uh, edited that question and written there.

uh, pattern which of the following is not in this series okay so question is correct but uh, question is correct and the op all options are also correct but i have written there uh, incomplete information that's why uh, sorry for this inconvenience and so let us start our video what question says if the series 4 5 and before starting the video i want to tell you one thing more and uh, that key i have tell you that uh, i'm going to start life class but um, from two days i'm uh, continuously trying but there is uh, some problem or there is some quality problem that's why i'm not able to start life classes if everything is good or if everything is okay, i'm arranging. then i will start. otherwise, we will discuss in pdf format or i will discuss uh, those topics uh, which are of practical nature in board. okay? so your intention is to uh, gain maximum to maximum. okay? whether i provide you recorded form, whether i provide you in live discussion. okay? so let us start in uh, our video. if the series 4, 5, 8, 13, 14, 17 and 22 is cut फॉलोइंग नॉट इन द सीरीज देखिए यह आपका सीरीज दी है यह आपको अगर इसी पैटर्न में कंटिन्यू हो रही है तो कौन सा फॉलो नहीं करेगा ये पूछा जा गया है ठीक है नहीं वाला बताना है तो सबसे पहले फोर है क्या है सीरीज आपकी फोर है फाइव है एंड एट है थर्टीन है फोर्टीन है सेवेंटीन है ट्वेंटी टू है ओके प्लस वन हुआ गेन प्लस थ्री हुआ ठीक है प्लस फाइव हुआ अगेन प्लस वन हुआ फोर्टीन फिफ्टीन सिक्स प्लस थ्री हुआ प्लस फाइव हुआ तो यहाँ पे भी सीरीज जो बननी चाहिए प्लस वन प्लस थ्री एंड प्लस फाइव की ही बननी चाहिए ओके बट क्वेश्चन में क्या दे के रखा है इसके बाद की तो सीरीज दी नहीं है ट्वेंटी थ्री ऐसे होना चाहिए ट्वेंटी थ्री ट्वेंटी थ्री ट्वेंटी फोर ट्वेंटी फाइव ट्वेंटी सिक्स है ना ऐसे होना चाहिए फिर ट्वेंटी सिक्स और प्लस फाइव आपका ये थर्टी वन होना चाहिए ओके थर्टी वन बट ऐसी सीरीज नहीं दी है क्या दिया है उसके अकॉर्डिंग हमें करना है क्वेश्चन दिया है सीरीज़ तो हमें पता चल गई आपको थर्टी वन दिया है ओके थर्टी वन दिया है थर्टी थ्री है थर्टी थर्टी वन थर्टी थ्री थर्टी फाइव ओके okay. अगर इसकी आप सीरीज बनाओगे थर्टी वन जस्ट मिनट थर्टी वन थर्टी टू थर्टी थ्री थर्टी फाइव अगर आप यही सीरीज आपको कंटिन्यू करनी ये आप ध्यान रखना प्लस वन देन प्लस थ्री होना चाहिए देन प्लस फाइव अगर आगे नहीं है तब भी कोई बात नहीं इतनी तो स्टिल आपको बनानी है प्लस वन इससे गेन हो रहा है ठीक है ये सीरीज बन जाएगी ट्वेंट थर्टी टू प्लस थर्टी फाइव ओके तो थर्टी थ्री यहाँ पर ये रॉन्ग है थर्टी थ्री नहीं होना चाहिए इसलिए थर्टी थ्री नहीं होगा और अगर आप दूसरी सीरीज फॉर्म करोगे तो कैसे फॉर्म करोगे कि आपने कहा कि मैम थर्टी टू बना लें थर्टी थ्री बना लें थर्टी फाइव बना लें तो ये ये भी सीरीज आपकी फॉलो नहीं हो पाएगी ओके ये भी सीरीज आपकी फॉलो नहीं होगी कैसे नहीं होगी मैं बताती हूँ जस्ट अ मिनट का नहीं होगी क्यों नहीं होगी क्योंकि थर्टी टू और थर्टी थर्टी टू थर्टी थ्री एंड थर्टी फाइव अगर आप करना चाहोगे तो प्लस वन का हुआ प्लस टू का हुआ आपको प्लस वन के बाद प्लस थ्री देन प्लस फाइव की सीरीज़ बनानी है ओके तो थर्टी थ्री यहाँ पर ये गर रॉन्ग है थर्टी थ्री इज़ करेक्ट फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन अब जो सीरीज़ आपकी इनके अकॉर्डिंग बनेगी वो थर्टी वन थर्टी टू थर्टी फाइव मतलब प्लस वन प्लस थ्री और यहाँ पे प्लस फाइव होगा अगर फोर्टी होता तो वो भी होता ओके आई होप आपको अब तक क्वेश्चन समझ में आ गया होगा ये होगा मैंने इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की थी इसके लिए सॉरी बट मैंने uh, तुरंत ही एडिट भी कर दिया है इसलिए आप प्लीज़ उसे चेक करके फिर से आंसर कर देना ओके और uh, तुरंत मैंने जब सारे मैसेजेस देखे कि भाई ट्वेंटी टू ट्वेंटी थ्री ट्वेंटी थ्री तो मैंने तुरंत एडिट भी कर दिया ओके कम्प्लीट सीरीज़ आपको करनी है बी बी एफ ई आई आई एम एल पी पी ओके इसे आपको सीक्वेंस uh, में करना है तो आप इजली इसे कर सकते हो क्या करना है इसमें यहीं पे मैं सॉल्व कर सकती हूँ इसे बी बी है देन आपका एफ ई -E है एफ ई -E की सीरीज़ है फिर आपकी आई आई है ठीक है फिर आपका एम एल एम एल है देन आपका पी पी है ओके अब देखिए बी आपका टू नंबर पे आता है बी टू पे आता है एफ़ आपका कितने नंबर पे आता है अल्फाबेटिकल सीरीज़ में सिक्स पे आता है ई फाइव पे आता है आई आपका नाइन पे आता है आई नाइन पे आता है देन एम थर्टीन पे आता है एल आपका किस नंबर पे आता है एल आता है ट्वेल्व नंबर पे पी आपका किस नंबर की सीरीज़ पे आता है सिक्सटीन एंड सिक्सटीन आपको आगे की सीरीज़ फाइंड करनी है तो देखिए ई मैंने यहाँ पे लिखा नहीं है ई फाइव है मैंने ई ही पॉइंट आउट कर दिया ओके टू के बाद सिक्स आया सिक्स के बाद नाइन आया नाइन के बाद थर्टीन थर्टीन के बाद सिक्सटीन तो आप देख सकते हो टू प्लस प्लस फोर हुआ ठीक है आपको समझ में आया होगा ये प्लस फोर हुआ फिर प्लस थ्री हुआ फिर क्या हुआ नाइन टेन इलेवन ट्वेल्व थर्टीन प्लस फोर हुआ फिर प्लस थर्टीन हुआ अब जो वैल्यू आएगी वो प्लस फोर की आएगी सिक्सटीन प्लस फोर इज इक्वल टू ट्वेंटी ट्वेंटी हमारी वैल्यू होती है टी की एक मैं और आप को बताना चाहूँगी भाई ये अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़ ना आप आ, याद कर लिए ओके जिससे आपको बार बार नोट करना नहीं पड़ेगा नाउ दूसरी सीरीज़ देखते हैं टू के बाद फोर आया ओके टू के बाद फाइव आया प्लस थ्री हुआ ओके फाइव के बाद नाइन आया प्लस फोर हुआ फिर नाइन के बाद ट्वेल्व आया प्लस थ्री हुआ ट्वेल्व के बाद सिक्सटीन आया प्लस फोर हुआ अब प्लस थ्री होगा सिक्सटीन सेवनटीन एटीन नाइनटीन अब जो वैल्यू आएगी वो नाइनटीन आएगी नाइनटीन आएगी यानी कि हमारी एस आएगी ओके एस टी एन एस इज करेक्ट फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन यही सीरीज इसमें फॉलो हो रही थी ये सरल सा क्वेश्चन था कोई इसमें डिफिकल्टी नहीं हुई होगी आई होप आपको ना ये क्वेश्चन था अब इस क्वेश्चन को हम देखते हैं क्या बोल रहा है अ मैन स्टार्टेड वॉकिंग फ्रॉम हिज हाउस टुवार्ड्स साउथ साउथ की तरफ एक इंसान चलना शुरू करता है साउथ की तरफ उसने चलना शुरू किया यहाँ से ठीक है साउथ की तरफ उसने चलना शुरू किया सभी को पता ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ साउथ की तरफ उसने चलना शुरू किया छः किलोमीटर तक वो गया फिर उसके बाद अपने लेफ़्ट में टर्न किया अब इसका लेफ़्ट क्या होगा यहाँ से अगर इसका लेफ़्ट देखें तो यहाँ से इसका लेफ़्ट क्या बनेगा ये होगा लेफ़्ट ये फाइव किलोमीटर चलता है उसके बाद आ, ये हुआ ये इतना हो गया फिर उसके बाद फर्दर तीन किलोमीटर लेफ्ट टर्न होके फर्दर तीन किलोमीटर राइट तो ये हो जाएगा लेफ्ट कहाँ जाना है उसको तीन किलोमीटर ओके तीन किलोमीटर वो फिर से चला ठीक है ये छः है तो ये तीन हाफ बना दी मैंने ओके okay? फिर क्या हुआ अपने लेफ़्ट टर्न हुआ यहाँ पे राइट right हुआ ये लेफ्ट टर्न हुआ और गया नाइन किलोमीटर आपको बतानी इसे आप डिनोट कर सकते हो ए बी सी डी ई है ना एफ डिनोट कर सकते हो अब आपको वैल्यू बतानी है कि वो कितनी दूर है अपने घर से अपने घर से यहाँ पे है उसका घर यहाँ पे था तो वो कितनी दूर है ये आपको दूरी निकालनी है ये आपको दूरी निकालनी है तो आप कैसे निकालोगे ये दूरी ये आपको पूरी ये दूरी पता है सिक्स ए बी की वैल्यू आपको पता है ईजीली कि सिक्स किलोमीटर है ठीक है ए बी की भी पता है ए ई -E की भी पता है ए ई -E की भी वैल्यू पता है -E पता आपको क्या है ए ई -E की वैल्यू आ ए ए बी की वैल्यू पता है और ए ई e की भी वैल्यू पता है एफ़ ई e की वैल्यू आप इसमें निकालोगे किसकी वैल्यू निकालोगे एफ़ ई e की अब इसकी वैल्यू कैसे पता है जब ये पूरी सिक्स है ये थ्री है इतनी क्योंकि ये थ्री है तो ये थ्री होगी तो आगे की भी ये थ्री ये जो वैल्यू है ये थ्री होगी ये मतलब जो स्पेस है डिस्टेंस है ये थ्री होगी ओके अब आपको ये निकालनी है तो आपको पता है ये राइट right एंगल है इसमें आप आ, 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 अपना फार्मूला लगा के निकाल सकते हो ओके पाइथागोरस थ्योरम लगा लगा के आप इजली इसे कैलकुलेट कर सकते हो कॉपी में करके मैं दिखा देती हूं ठीक है ये था आपका क्वेश्चन वो साउथ की तरफ चला था सिक्स किलोमीटर ओके okay. देन अपने लेफ़्ट में फाइव किलोमीटर चला था फिर अपने लेफ्ट में थ्री किलोमीटर चला था उसके बाद वो वहीं से अपने लेफ़्ट में नाइन किलोमीटर चला गया था आपने डिनोट कर लिया ए बी अपने कन्वीनियंस के हिसाब से सी डी ई एफ ओके okay. जब आपको पता है ये पूरी वैल्यू जो है सिक्स किलोमीटर मतलब आपकी ए बी जो वैल्यू है सिक्स किलोमीटर ओके ए ई वैल्यू क्या हो जाएगी ए ई वैल्यू ए ई वैल्यू क्या हो जाएगी जब ये थ्री है तो ये भी थ्री होगा बाकी का ये थ्री होगा तो थ्री किलोमीटर आपको ए ई e की वैल्यू पता है ए ई e की वैल्यू पता है ओके ए ई की भी वैल्यू पता हो गई ए बी की भी वैल्यू पता है एफ़ ई की वैल्यू एफ ई की वैल्यू आप नहीं निकाल लोगे टोटल ये आपकी टोटल ये नाइन है ठीक है ये सिक्स है ठीक ये आपकी क्या है थ्री किलोमीटर है अब आप इजली इसे कैलकुलेट कर सकते हो क्या करोगे पाइथागोरस थ्योरम लगा दो आप इज़ली क्या हो जाएगा पाइथागोरस थ्योरम आपकी लग जाएगी तो हो जाएगा आपका एफ ई की निकालनी है ना आपको ए एफ़ की निकालनी है ना ए एफ़ का स्क्वायर ठीक है एफ ई का स्क्वायर प्लस ए ई का स्क्वायर ओके ये आपको समझ में आ रहा होगा अब वो वैल्यू क्या आ जाएगी फोर आ जाएगी ठीक है और ए की वैल्यू क्या थी थ्री थी तो ये सिक्सटीन प्लस नाइन हो जाएगा इज इक्वल टू ट्वेंटी फाइव हो जाएगा ये ए एफ़ का स्क्वायर आ रहा है ये सारी वैल्यू आपकी ए एफ़ का स्क्वायर आ रही ए एफ का स्क्वायर आ रही नाउ सिंपल अगर आप एफ़ का निकालोगे तो अंडर रूट कर दोगे ट्वेंटी फाइव का तो एफ़ की वैल्यू आपकी आ जाएगी फाइव फाइव आपका करेक्ट हो जाएगा इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए ओके फाइव करेक्ट हो जाएगा इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए थ्री तो मैंने बता दिया कि यहाँ की जो वैल्यू यहाँ ये थ्री है ये भी थ्री होगा ये इतनी डिस्टेंस किया है थ्री है तो बाकी की यह कितनी होगी थ्री किलोमीटर होगी आपको ये शायद ना समझ में आए ये फोर किलोमीटर है ओके okay. कैसे क्योंकि जब टोटल नाइन है जस्ट अ मिनट मैं सारी वैल्यू यहाँ पे फिर से करके बता देती हूँ कुछ बच्चों को शायद प्रॉब्लम हो सकती है सिक्स किलोमीटर देन ये फाइव किलोमीटर देन ये आपका थ्री किलोमीटर हुआ देन ये आपका नाइन किलोमीटर था टोटल वैल्यू ये आपकी नाइन किलोमीटर थी ठीक है जब ये फाइव है तो ये भी फाइव होगी यहाँ की वैल्यू ये फाइव किलोमीटर ठीक है टोटल नाइन है तो ये फोर किलोमीटर हो जाएगी जब ये थ्री है तो यहाँ की वैल्यू भी थ्री किलोमीटर होगी टोटल ये लेफ्ट कितनी बची यहाँ उसका घर था ठीक है ये थ्री किलोमीटर ये आपको निकालना है राइट एंगल ट्रैंगल से ठीक है रफ हो गया आई थिंक ये आपको निकालना है राइट एंगल ट्राइंगल से तो आप ईजिली निकाल दोगे ना ये आपका है ये आपको वैल्यू कैलकुलेट करनी इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर जो टू इसका इसका स्क्वायर तो आपने इसका स्क्वायर इसका स्क्वायर किया सिक्सटीन प्लस नाइन ट्वेंटी फाइव हुआ इसका स्क्वायर ठीक है फिर अंडर रूट करके आप निकाल लिया ईजिली आपका आंसर कैलकुलेट हो गया आई होप आपको समझ में आ गया होगा ईजली ना दूसरा वाला क्वेश्चन हमारा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इंटरेस्टिंग भी क्वेश्चन है ये क्वेश्चन आपसे पता है क्या पूछ रहा है क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है इसमें फाइव इज करेक्ट फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन नाउ इन अ पोस्ट ऑफिस स्टाम्प ऑफ थ्री डिनोमिनेशन ऑफ रुपीज सेवन एट टेन आर अवेलेबल तीन रुपए के स्टाम मतलब तीन स्टाम्प अवेलेबल हैं सात रुपए के आठ रुपए के दस रुपए के एग्जैक्ट अमाउंट कौन सा स्टाम्प हम नहीं खरीद सकते ट्वेंटी ट्वेंटी नाइन नाइनटीन एंड ट्वेंटी थ्री कौन सा स्टाम्प नहीं खरीद सकते ये हमें बताना है बहुत अच्छा क्वेश्चन है इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है कॉपी पे मूव ऑन करते हैं यहाँ पे ना खिचड़ी हो जानी है इसलिए कॉपी पे मूव ऑन करते हैं देखिए क्वेश्चन आपका बहुत सिंपल सा अच्छा सा क्वेश्चन है देखिए अगर आप ट्वेंटी आपके ऑप्शन थे ना ट्वेंटी था ट्वेंटी थ्री था ओके ट्वेंटी ट्वेंटी थ्री ट्वेंटी नाइन और नाइनटीन था ठीक है आपके पास स्टाम्प कितने कितने रुपए के थे सात रुपये का आठ रुपये का स्टाम्प था और दस रुपए का स्टाम्प था तो दस रुपए का स्टाम्प है तो आप दस दस इंटू टू ये तो बीस वाला खरीद ही लोगे इजीली ये सबको समझ में आ गया होगा ठीक है अब देखिए ट्वेंटी थ्री वाला भी आप खरीद लोगे कैसे खरीद लोगे कि एट का एक आपने एट के दो स्टाम्प लिए सिक्सटीन हो गया ठीक है अब आप इसी में एक स्टाम्प और ले लो किसका सेवन का एक स्टाम्प ले लो ठीक है तो आपका आ जाएगी ट्वेंटी थ्री वैल्यू आ जाएगी ट्वेंटी थ्री का भी आप खरीद लोगे मतलब आठ रुपये के दो स्टाम्प लिए सिक्सटीन हो गया प्लस एक सेवन रुपीज़ का स्टाम्प ले लिया ट्वेंटी थ्री भी आ गई वैल्यू ट्वेंटी नाइन आप कैसे खरीद सकते हो ट्वेंटी नाइन भी आप खरीद सकते हो कैसे खरीद सकते हो देखिए थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा सेवन इंटू थ्री ट्वेंटी वन हुआ सात सात वाले तीन स्टाम्प ले लिए ठीक है ये हो गया आपका ट्वेंटी वन हो गया देन आपने आठ वाला एक स्टाम्प ले लिया ठीक है तो ये आपकी ट्वेंटी नाइन आ गई ना नाइनटीन है नाइन्टीन दस वाला एक स्टाम्प ले लिया अब आठ का लोगे तो ए, एक कम पड़ रहा है तब भी एक कम पड़ रहा है अगर सात का लोगे तब भी कम पड़ रहा है ठीक है और अगर किसी और फॉर्मूले से आप निकालना चाहोगे तब भी नहीं आएगा तो नाइनटीन वाला नाइन्टीन वाला जो है ऑप्शन ये रॉन्ग है नाइनटीन वाला हम नहीं परचेज़ कर सकते हैं ओके क्या बोला था क्वेश्चन में मैं फिर से बता दूं कि कौन सा आप स्टाम्प नहीं खरीद सकते हो एग्जैक्ट अमाउंट के नॉट बाई स्टाम्प ठीक है तो हम ये बाई कर सकते हैं ये बाई कर सकते हैं ये बाई कर सकते हैं दस रुपए वाले दो स्टाम्प इसमें बाई कर लेंगे ठीक है इसमें हम बाई कर सकते हैं आठ रुपए वाले दो स्टाम्प ठीक है और एक सात रुपए वाला सोलह प्लस सात इज इक्वल टू तेईस ट्वेंटी नाइन वाला भी हम बाई कर सकते हैं सात रुपए तीन स्टाम्प ठीक है और एक स्टैम्प आठ रुपये का बाई करके हम ये भी बाई कर सकते हैं नाइनटीन वाला हम नई बाई कर सकते हैं नाइनटीन इज़ करेक्ट फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन आई होप ये चारों क्वेश्चंस आपको समझ में आए होंगे मैंने बोला था ये वीडियो रात को ही अपलोड कर दूंगी बट स्टिल थोड़ी सी कुछ प्रॉब्लम हो गई थी रिकॉर्डिंग में और थोड़े से क्वेश्चन रीड आउट करने में इस वजह से मैंने डिलीट कर दी सो आई होप समझ में आया होगा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ गाइज गाइज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिए चैनल को अब आपको बोर्ड पर आपको बोर्ड पर रिकॉर्डेड वीडियो या आप कह सकते हैं बोर्ड पे लाइव क्लास रिकॉर्डेड वीडियो मिलना स्टार्ट हो जाएंगी आज अब हम टॉपिक स्टार्ट करेंगे लॉजिकल रीजनिंग में स्क्वायर ऑफ अपोजिशन से स्टार्ट करेंगे जब तक लॉजिकल रीजनिंग हमारी पूरी मतलब अकॉर्डिंग टू सिलेबस वो भी हम स्टार्ट कर रहे हैं आपको वीडियो देखने को मिल सकती है आज ओके सो इट वॉज इन दिस वीडियो मीट यू इन माई नेक्स्ट वीडियो टेल दैन स्टे हैप्पी एंड कीप लर्निंग आइज